ओम शांति 25/3/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छी छी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन, मन मनाभाव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि यूं